सपना जी, आतिका खंडाला में आपने आमिर खान के साथ बहुत अच्छा डांस किया। आपका अपना फैन नंबर वन। सपना जी, किसका चिट्ठी है? वही फैन नंबर वन। 3 साल हो गए, हर हफ्ते उसकी एक चिट्ठी जरूर आती है। सपना जी, आप उसको एक बार मिलने को क्यों नहीं बुलाता है? कैसे बुलाऊं? ये फैन अपने लेटर में अपना पता ही नहीं लिखता। बहुत अजीब फैन है, एक ठो बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का। और ये हम 30 साल से बड़ा बड़ा हीरोइन का मेकअप किया, लेकिन वो बड़ा बड़ा हीरोइन का भी ऐसा फैन नहीं देखा। बोपरे, अब तो हमको भी उसको मिलने को दिल करता है। पता तो चले है। लाला तेरा भाई। दादी आज धंधा नहीं हुआ। कल ऑटो के इंजन में कचरा आ गया था, आज धंधा नहीं हुआ। तूने मुझे क्या पागल समझ रखा? ला चाबी दे। अरे देता है कि नहीं? तेरा शो 9 बजे खत्म होता है, 11 बजे घर आ रहा है। पैसे कहाँ? कौन से पैसे? अरे शो के और कौन से? अच्छा अच्छा अच्छा, वो पैसे हैं? हाँ वो तो है ना, ये लीजिए। ये ले जेब खर्च 50 रुपए। फिर 50 रुपए? दादी आजकल 50 रुपए में गुजारा नहीं होता है। और नहीं तो क्या, 50 लाख चाहिए? तू रहता मेरे घर में, खाना भी मेरे पास खाता है, तेरे कपड़े भी घर में धुलते हैं। अरे तेरे लिए तो 50 रुपए भी बहुत हैं, इनमें से 40 जमा किया कर, तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। ये ले चाबी, ऑटो पार्क कर। मेरे बुढ़ापे की परवाह है? जवानी का कोई ख्याल नहीं है? दिल करता ये ऑटो रिक्शा है ना, यही। लगता है ये देश की जनता को स्टार लोग पे मनने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। अबे हटो, सुबह सुबह गुड़ पे मक्खी की तरह पहुंच जाते हो, हटो। ओ चचा, बहुत अपना लगते हो। तू मेरे को फटेला पतीला लगता है। तुम आगे जाओगे हम लोग क्या चिल्लर गिनते खड़े रहेंगे? अबे यार भूतनी के, मैं मैडम का सेक्रेटरी हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो क्या तेरा बाप अंदर जाएगा है? अरे सुनो ये मारुति फ्रंटी की बात, अबे तू सेक्रेटरी है तो मैं आमिर खान हूँ। सपना जी से बोल खंडाला में बहुत भीड़ है। आती क्या वो डाला? अबे और डुक्कर फियट के कैंसल मॉडल, तेरे माँ बाप ने क्या तेरे को पैदा करके बदतमीजी करने को सड़क पे छोड़ दिया है क्या बिना लाइसेंस का? ए वॉचमैन। जी साहब जी। अबे क्या साहब जी, इधर देख, फिलिट मार, भगाई लो को इधर से। गुड मॉर्निंग कुकी भाई। अरे मॉर्निंग छोड़ो, शूटिंग पे जाओ, फोन पे फोन आ रहे, कितना टाइम हो गया है? जाती हूँ ना कुकी भाई। मैडम ये देखिए, फिर फैन नंबर वन का लेटर आया है। जादू तेरा ही जादू मेरे दिल में समाने लगा, तेरा ही जादू मेरे दिल दादी पप्पू। यस दादी, यस दादी, यस दादी। कहाँ था इतनी रात तक? आज तो तेरा शो भी नहीं था। वो हुआ युदा। आज फ्राइडे है, फिर पिक्चर देखने गया था। वो दादी इस सपना की फिल्में देखकर तुझे। दादी मैं उसका फैन हूँ, उसकी फिल्में देखे बगैर नहीं जी सकता ना। फैन? देख पप्पू, आज मैं तुझे आखिरी बार कह देती हूँ, आइंदा तूने सपना की पिक्चर देखी तो तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी। इस उम्र में पप्पू सो जा। सपना, दादी की बातों का बुरा मत मानना डार्लिंग, वो बुढ़ी हो गई है ना, शी इज गॉन मैड। उसे क्या मालूम कि फैन क्या होता है। सपना तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का सपना हो, बस एक बार मैं तुम्हें हकीकत में मिलना चाहता हूं। पता नहीं इस फैन नंबर वन का ये सपना का पूरा होगा। Can't you see? Are you blind or what? No, I'm not a blind. मगर मुझे लगता है कि तुम रोड को रनवे समझती हो, प्लेन की तरह उड़ती ही चली जा रही हो। ये ट्यूब लाइट की तरह आंखें चमका के क्या देख रही हो? पप्पू। वो भी। Hey, वो भी। How are you, baby? तू बचपन में कितनी मासूम लगती थी, जवान हो गई एकदम जलवा हो गई हो बेबे। तुम भी बहुत चेंज हो गए, एकदम नन्हा फरिश्ता थे और अब राजा बाबू दिखने लगे हो। अरे हंटर वाली, तू आज तक अपन लोगों का फिल्मी फंडा भूली नहीं है? अरे कैसे भूलती मेरे राजा हिंदुस्तानी, पूरे वर्ल्ड में हम दो ही तो हैं जो हर बात पे फिल्मी टाइटल्स बोलते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, तुम तो अपनी मदर इंडिया के साथ परदेश चली गई थी, फिर ये अचानक जिस देश में गंगा रहता है वहाँ कैसे चली आई? बस स्टेज क्वीन बनने का अरमान हुआ और दिल ने कहा आ अब ला चले। ओके, वैसे बाय द वे मैं तो स्टेज की दुनिया का बादशाह बन गया हूँ। सच्ची? हाँ। मुझे भी अपना साथी बना लो ना प्लीज। Why not? हमारा याराना तो बहुत मस्त रहेगा। हम दोनों मिलके स्टेज की दुनिया के ताल बदल देंगे। So sweet of you. Thanks. सपना जी, क्या आप हमारे शो के दर्शकों को बताएंगी कि आप किसी की दीवानी हैं? सच कहूं, कल तक तो ऐसा कोई नहीं था, मगर अब एक साथी मिल गया है। तो सपना जी, आप हमें उस लकी प्रिंस का नाम बताइए। राहुल। क्या करो राहुल? Celebrating. I'm so happy, so happy. सपना, इस महीने की 20 को हम शादी कर रहे हैं। What? Yes. पंडित जी ने डेट निकाली है। Oh, I don't know how happy I am today. सपना, तुम मेरा सपना हो और मेरा सपना सच हो गया। My dream has come true. Oh, I'm the luckiest man in this world. सपना, तुमने अच्छी तरह सोच लिया ना, शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी दुनिया तुम्हारी फिल्मी दुनिया से काफी अलग है। राहुल, अब तो तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया है। अरे प्यार कितना तो कितना, लेकिन परेश वालों के सामने मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? प्यार किया है, चोरी नहीं। ओए, ये कोई मालवा के मंजीत सिंह और दुआवा की रंजीत कौर का प्यार नहीं आएगा, जो एवं कह देता कि प्यार कितना है चोरी नहीं। ओए, तू एक स्टार है, थोड़ी एक इमेज है, लक्को नौजवान तेरे को देखने के वास्ते तरसते हैं, तेरे पे मरते हैं। और तूने तूने सिर्फ ये कहकर कि तू किसी से प्यार कर दी है उन लाखों दिलों को कांच की तरह तोड़ दिया। टूट गए हैं तो टूटने दो, I don't care. मेरा भी दिल है, मेरे भी दिल में किसी की चाहत हो सकती है। मैं कोई चाबी का खिलौना नहीं, इंसान हूँ। कब तक झूठे आंसू और बनावटी मुस्कान की एक्टिंग करते फिरूंगी? शादी और करवा चौथ के सीन कर करके मैं थक गई हूँ। स्टार हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी सपना वही है जो एक आम लड़की का होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक घर हो, मुझे कोई प्यार करने वाला हो, अपना संसार हो। एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, जिंदगी नहीं। पप्पू, इतनी जल्दी घर आ गया? अरे तेरे ऑर्केस्ट्रा का पार्टिया उतर गया क्या? देख दादी, मैं तेरे लिए नारियल पानी लाया हूँ। अभी क्यों मारा? नारियल पानी ताकि मुझे सर्दी हो जाए, फिर बुखार, फिर निमोनिया, फिर उसी से मैं मर जाऊँ, यही ना? अरे नहीं दादी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के बच्चे भी तुझसे थप्पड़ खाते रहे। दादी, तू नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए, मेरी बीवी तेरी सेवा करे, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे तेरे गोदी में सुसु करे? तो तू शादी करेगा? दादी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। तू घर में अकेली रहती है ना, तेरी कंपनी के लिए कोई तो चाहिए ना। तेरी नजर में कोई लड़की है? बॉबी, मेरे ऑर्केस्ट्रा में गाना गाती है, आती है क्या खंडा लगा के, उसने मेरे दिल में कुछ कुछ कर दिया है। घर में नाचने वाली लाएगा? नाचने वाली नहीं है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो बहुत अच्छे घर की लड़की है। दादी, तुझे तो अच्छे घर की लगेगी। अरे तेरी उम्र ही क्या है, चला शादी करने, 5-10 साल और ठहर जा, फिर मैं तेरे लिए लड़की ढूंढूंगी रानीखेत से, समझा? नहीं बॉबी, नहीं, तुम्हें गंगा के समान, मैं मरते दम तक तुम्हें जान देने नहीं दूंगा। बॉबी, ये कैसी दीवानगी है, हम तुम पे मरते कहते कहते कटी पतंग की तरह सचमुच जान देने जा रही हो। मैं क्या करूं, ये दिल तो पागल है, तुम्हारी जुदाई की बात से ही कुछ कुछ होता है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं वचन देता हूँ कि तुम ही मेरी बीवी नंबर 1 बनोगी। तुम कयामत से कयामत तक कोशिश कर लो, दादी कभी नहीं मानेगी, क्योंकि तुम्हारी दादी मुगले आजम से भी ज्यादा खतरनाक है, वो सलीम और अनारकली का मिलन नहीं होने देगी। तुम दादी का डर अपने मन के थिएटर से निकाल दो, अगर वो मुगले आजम है तो मैं कोई अनाड़ी नहीं, हीरो नंबर 1 हूँ, हमारा संगम होके रहेगा। बॉबी, तुम्हारे दादी के मरते दम तक हम एक दूसरे के नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो पाकिजा, मैंने प्यार किया है, मैं शादी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। ओह शट अप, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरी कुर्बानी दे दो
या फिर अपनी दादी का कत्ल कर दो। क्या बात करती हो, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे दिलवाला दुल्हनिया ले जाएंगे? नहीं, यही आखिरी रास्ता है। पप्पू। यस दादी। अरे कॉफी का क्या हुआ? अभी लाया दादी। तुम्हारे पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरी कुर्बानी दे दो या फिर अपनी दादी का कत्ल कर दो। पप्पू। यस दादी। एक कप कॉफी बनाने में इतना वक्त लगता है, मखड़ा गाना गा रहा होगा। कॉफी दादी? हरकत का क्या मतलब? वो कॉफी में मक्खी गिर गई थी। एक मक्खी की खातिर तूने कप तोड़ डाला? हैं? कप के सारे टुकड़े चुन ले, मेरी नजर कमजोर है और अगर एक टुकड़ा भी मेरे पाँव में लगा तो तेरी खैर नहीं है, समझा? अब मैं जा रही हूँ नहाने। अरे कॉफी पीने दी होती तो ही अच्छा होता। दादी तू अभी नहीं बच सकती, तू तो इसकी आवाज से ढसल जाएगी। रमा त्रिवहारम ब्रज कविहारम सर्वतम सदा तम गोविनंदम परम सुख कंदम भजतरे निराधार धारम भव जल दीपारम परपुनम रमा ग्रिवहारम ब्रज कविहारम हरनुतम सदा तम गोविनंदम भरम सुख कंदम। दादी गई? ये बाजा क्या क्या कर दिया? कौन कौन है ये बाजा, क्या कर रहा है यहाँ? है? वो तो अच्छा हुआ कि नहाने के बाद मैंने सर्दी से बचने के लिए कानों में रुई डाल ली थी। रुई? रुई नहीं तो मुझे तेरा बेसुरा बाजा सुनना पड़ता। खड़ा क्या देख रहा है, मुझे कॉफी कौन पिलाएगा? अरे जा। यस दादी। और ये बोपरी एक बात बोलेगा पूरा नहीं मानेगा। इतना अच्छा लोकेशन किधर से ढूंढ के लाया? चुन्नू दा ये लोकेशन नहीं, राहुल का फार्म हाउस है। और ये बोपरी अब समझा, दिल तो पागल है। शूटिंग जल्दी पैकअप हो गया तो आप राहुल साहब को ये सरप्राइज देने के लिए आया। प्यार में ये छोटे सरप्राइजेस ही बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं। बुरा नहीं मानने का, बुझते बेचो। राहुल शादी की डेट फिक्स हो गई पर तुमने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। फ्लर्ट कौन कर रहा है, मैं तो हनीमून की रिहर्सल कर रहा हूँ। वेरी स्मार्ट, रिहर्सल मेरे साथ और शादी सपना के साथ। राहुल क्या करूँ, हम इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। We don't need a housewife. हमें तो एक फेमस चेहरा चाहिए जो सोसाइटी में हमारे साथ उठ बैठ सके।
जिसकी फेम का हम बिजनेस में फायदा उठा सके। आज सपना एक टॉप एक्ट्रेस है। हमारी शादी के अनाउंसमेंट के साथ ही हमारी कंपनी वर्ल्ड ओवर फेमस हो गई। ये शादी नहीं, एक बिजनेस डील है। यू नो व्हाट आई मीन। बाकी सबको पता है कि शो बिजनेस में टॉप पे आने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। सपना? नाम मत लो मेरा। मेरे रिश्तेदार तो मेरा पैसा खाते थे, तुमने तो मेरे प्यार, मेरे विश्वास, मेरे अरमान, मेरे सपनों को ही अपना बिजनेस बना डाला। सपना एक मिनट मेरी बात सुनो। सपना मुझे गलत मत समझो। देखो देखो, Don't touch me! सपना listen to me! Don't touch me and you listen to me! मैंने तुम्हारे लिए मेरे अपनों से झगड़ा किया, अपने फैंस, अपने प्रोड्यूसर्स, अपने करियर का ख्याल नहीं किया, और तुमने सपना listen to me! सपना क्या कर रही, क्या कर रही हो? I'll kill you! Control yourself! I'll kill you! I hate you! I hate you! Relax! You're a liar! You're a cheat! I'll kill you! Do not leave me! I hate you! You're a cheater! You're a liar! I'll kill you! I'll kill you! Leave me, Durga! I'll kill you! I'll kill you! अरे वाह बापू, आ तलवार लेने मुगले आजम ऊपर कोई नो आइटम बनावे से के? आइटम नहीं बापू, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया मैंने अपनी दादी का मर्डर करने का। क्यों बात करो छो, पोतानी दादी नो खून करोगे? ये पोतानी क्या होता है? मतलब खुद की दादी नो खून? हाँ हाँ, आई हैव टू किल हर। पर बापू, खुद की दादी को मारकर तुम बच सकोगे? हाँ, मैं उसका ऐसे मर्डर करूंगा कि वो हादसा लगेगा, एक्सीडेंट। अरे पर फिर भी पुलिस सबसे पहले तुमको अरेस्ट करेगी। व्हाई? क्योंकि पुलिस कोई भी हादसा ने मर्डर की नजर से देखती है, आने पछी मर्डर करने वाले का मोटिवेशन ढूंढती है, मकसद। खून करने से फायदा किसको होगा? फायदा? दादी के खून से तुमको ही फायदा होगा ना, क्योंकि तुम ही दादी की दौलत के इकलौते वारिस हो। इसलिए तुम्हारे पास मोटिवेशन भी है, मकसद भी है, और खून के वक्त तुम घर पर ही होगे। इसका मतलब यह है कि खून के वक्त मुझे घर पर नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। वो भी ऐसे आदमी के साथ जो पुलिस में गवाही दे कि खून के वक्त तुम उसके साथ थे। मगर ऐसे लोग मिलते नहीं है ना। बहुत झंझट है मर्डर करने में, इसलिए एक काम करना, दिल से 16 शुक्रवार कर, दादी मर जाएगी। अपने तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। इस महीने की 20 को हम शादी कर रहे हैं। अब तो तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया है, मेरा भी दिल है। मेरे भी दिल में किसी की चाहत हो सकती है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। बाकी सबको पता है कि शो बिजनेस में टॉप पे आने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। Don't touch me and you listen to me! मैंने तुम्हारे लिए मेरे अपनों से झगड़ा किया, अपने फैन, अपने प्रोड्यूसर, अपने करियर का ख्याल नहीं किया। I'll kill you! क्या रे, कौन है रे, क्या रे? आइला 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 ए आइला। ओ सपना जी, ओ नो, ओ माय गॉड, ओ माय हार्ट, ओ माय हैंड, ओ मेरा हाथ ठंडा हो गया। ओ सपना जी, ओ गुड नाइट, ओ आई मीन हेलो, नमस्ते, हेलो। ओ सपना जी, आप मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता है। अरे हीरो से लेकर तो पब्लिक तक सब तो आपका फैन है, और मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन है। फैन नंबर वन तुम हो। मेरे को तो साला विश्वास ही नहीं होता है कि सपना जी मेरे सामने खड़ी है। ये क्या है? आपकी भी शाम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। आप तो पीती नहीं थी ना। वो अपना राहुल जी का है ना, मत लो उसका मिलने का। क्या हुआ? वो बेवफा निकला। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं उसको मार डालूंगी। I'm going to kill you, I'm going to kill you! अरे पुलिस पकड़ेगी आपको, क्या बात कर रही है आप? अनाज नहीं जाएगा मेरे पेट में, मालूम है क्या? सपना जी आप ऐसा कभी मत करना, पुलिस फौरन आकर आप ही को पकड़ेगी।
क्योंकि आपके पास मोटिवेशन है राहुल के मर्डर करने का। मोटिवेशन? हाँ, शाह भाई बोलते हैं कि पुलिस सबसे पहले उन्हीं से तहकीकात करती है जिनके पास मर्डर करने का मकसद होता है, और आपके पास तो बहुत बड़ा मकसद है, बेवफाई का बदला। इसलिए आप तो राहुल को मार ही नहीं सकती, जैसे मैं अपनी दादी को मार नहीं सकता, सिर्फ उसके थप्पड़ खा सकता हूँ। सपना जी, हम लोग अदला बदली कर ले। अदला बदली? हाँ, मैं आपके लिए राहुल का खून कर देता हूँ और आप मेरे लिए मेरी दादी का अदला बदली। देखिए ना सपना जी, मेरी और राहुल जी की कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। जब मैं उसका खून करूंगा तो पुलिस मुझ पर शक नहीं करेगी, और उसके बदले में जब आप मेरी दादी का खून करोगी तो पुलिस आप पे भी शक नहीं करेगी, क्योंकि जब दादी का खून होगा तो मैं बैठकर आपकी फिल्म देख रहा हूँगा, और जब राहुल का खून होगा तो आप दूर कहीं शूटिंग कर रही होंगी। इस तरह से राहुल भी खत्म हो जाएगा और दादी भी खत्म हो जाएगी, और हम दोनों बच जाएंगे, और पुलिस हम पर शक नहीं करेगी। वाह सपना जी वाह, अरे आप जैसी बड़ी फिल्म स्टार के हाथ से मर के मेरी दादी की तो लाइफ बन जाएगी, वो तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगी। सपना जी, मैं इस बात को एक स्टार का अपने फैन से वादा समझू क्या? रात भर गायब रहने का क्या मतलब? कुकी भाई, आप ही समझाइए इसे। मैडम, रात भर आपका फोन भी नहीं चलता था, किधर थी आप? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि भाई, कान रिमेम्बर एनीथिंग। जाओ भाई, बैठे रहो। Why not? यहाँ से किसी की चीखने की आवाज आई थी। चीखने की आवाज यहाँ से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो चीखा ही नहीं। फिर भी मैं गाने की रिहर्सल कर रहा था, आपको मेरे गाने की आवाज सुनाई दी होगी। मैं गाना गा रहा था जोर जोर से के आ जा रे। चूहा चूहा तकलीफ दे रहा था, चूहा। रिहर्सल यहाँ? या मैं ऑर्केस्ट्रा का सिंगर नंबर वन हूँ ना। मैंने नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, इट जस्ट हैपेंड सर। मैंने आपके गाने का प्रोग्राम देखा है। ओह रियली? ये मेरे गाने के प्रोग्राम का रिएक्शन था। बहुत मजा आया। ओह थैंक यू वेरी मच। क्या गाते हैं? हिंदी गाने गाता हूँ बस, थोड़े बहुत। अब नाचते भी बहुत अच्छा है। वो तो मैं विरार से ही। वो माइक वाला आइटम तो आपका कमाल का ही था। वो थैंक यू वेरी मच। वो आइटम मैंने किया नहीं था मैडम, वो आइटम हो गया था। मैं जो भी करता हूँ वो हो जाता है बस। डार्लिंग, ये पैरों का आइटम कितना कमाल का कर रहे हैं ना। यकीन मानिए मैडम, ये आइटम भी मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आइटम हो रहा है। चलो डार्लिंग, बहुत हो गया, चलो। सी यू सर, सी यू, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। निकल, भाग यहां से। अबे हाय, ये राहुल कहां जा रहे?
इतना अंधेरा था कि पहचान नहीं पाया कि राहुल को धक्का किसने दिया। We will report to our base. Yeah, definitely, sir. अब वो जिंदा तिलस्मात को डूब के मरना ही था, तो मुंबई में नदी नाले की कमी थी है? तो नाइसल घमोलियों का पाउडर समंदर में आगे गिरा। अब इस बेबी निप्पल की लाश को ढूंढने में हमारा हाल तो इच गाड़ खुदली के मलम जैसा हो जाएगा। अबे इसब गुल, कहां हो गया तू गुल? अरे बॉडी प्लस, मैंने बर्गर समझा था। बर्गर मेरे पे हाथ डालने का? हाथ है या हिट स्प्रे? तेरी इतनी हिम्मत? अरे मिल्कमेड देख, क्यों दिखाएगा तू मुझे? अरे सिलाजित की शक्ति मेरी बात तो सुन। क्या सुनू मैं? अरे लेट मी एक्सप्लेन शरबत बौला। क्या समझाएगा तू मुझे? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? डार्लिंग ये मुझ पे हाथ डालता है। क्या? अरे भाई गलती से हाथ लग गया, वरना मेरी क्या हिम्मत इस मल्टी विटामिन को छेड़ू मैं। झूठ बोल रहा है। अरे ले जा ले जा भाई ले जा, इस कीवी ड्रेस को ले जा। इसने एक साथ टाइगर झंडू विक्स तीन तीन बाम याद दिलाए मेरे को। ले जा भाई ले जा, ले चलो डार्लिंग, पुलिस अफसर है, गलती हो सकती है, चलो। अरे अरे बाप रे, इस हमदर्द की टॉनिक सिंह कर ने मेरे थोड़े पे ऐसा हाथ साफ किया है जैसे लाइफ बॉय बैल में छुपे हुए कीटाणु को धो डालता है। अरे अरे ओम क्या ले? राहुल की लाश का कोई पता नहीं चला, मुझे तो लगता है कि एनी फ्रेंच हेयर रिमूवर। तुझे तो टीवी का मरीज भी बॉर्नविटा का मॉडल लगता है। अबे लाश ढूंढ वरना क्रैक क्रीम आएगा तो क्या जवाब देगा? क्रैक क्रीम? एसीपी कामत। सर, सर क्या हुआ? राहुल की लाश मिली? सर समंदर का एक्सरे हो रहा है सर, वो हाई टाइड में। हाई टाइड में क्या होता है ये इन्फॉर्मेशन तुम डिस्कवरी चैनल पर देना। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि राहुल की लाश मिलेगी या उसके घर वालों को डायरेक्ट चौथे की तैयारी करने के लिए कह दूं। एक घंटे में मुझे रिजल्ट चाहिए। yes, ओके जी। एक घंटे में रिजल्ट चाहिए? ये कोई पुराना कब्ज है जो कायम चुरन ले लिया पेट साफ? ये कामा साहब जब भी आता है मलेरिया के मच्छर की तरह खून पीकर बुखार दे जाता है। कभी अंधेरे में अकेले मिलिए सर। हेलो। हेलो सपना जी, कौन बोल रहा है? अच्छा सुनिए, आप फोन के पास ही रहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस को पता लगे कि मैं अलीबाग के रोड नंबर 5 के पब्लिक टेलीफोन से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? फैन नंबर वन। फैन नंबर वन? काम हो गया है। काम? कैसा काम? अदला बदली। अदला बदली? हाँ सुनिए, मैं फोन रखता हूँ, अगर कॉल ट्रेस हो गया तो पुलिस हम दोनों को अंदर कर देगी। ओके हाँ। हेलो। हेलो, ये बार बार फोन करने का क्या मतलब है? राहुल का काम तमाम हो गया और किसी ने नहीं देखा। काम तमाम हो गया और किसने क्या नहीं देखा? अरे मैं फोन पर कैसे बता दूं कि मैंने आपके कहने से। हेलो हेलो, मैं फोन रखता हूँ। हेलो। हेलो, अरे तुमने किया क्या मुझे बता तो सही। अब मैं फोन पर कैसे बता दूं कि मैंने राहुल को मार दिया? राहुल को मार दिया? और उसके बदले में अब आपको मेरी दादी को मारना है? देखिए ये सब बातें फोन पर नहीं हो सकती, मैं आता हूँ और पर्सनली आकर आपको मिलता हूं। ओके ओके। हेलो हेलो, हेलो इंस्पेक्टर डाबर स्पीकिंग। आंटी किसी से कोई झगड़ा हुआ? झगड़ा तो हुआ था साहब, फार्म हाउस पर सपना मैम साहब के साथ। सपना? कौन सपना?
सपना, अपनी सपना, फिल्म स्टार। फिल्म स्टार? यस सर। फौरन चल के अरेस्ट करते हैं सर। सर, मेरी सपट लोशन जैसी बीवी और मेरे सपट मलम जैसे बच्चों को उस फेयर एंड लवली के साथ फोटो खिंचवाने का इतना अरमान है सर कि कल को तुम्हारी बीवी को सचिन तेंदुलकर को पकोड़े खिलाने का अरमान होगा तो क्या उसे अरेस्ट करके तुम्हारे घर ले जाएंगे? सपना कोई दीपा बार में नाचने वाली मुंगड़ा नहीं है, वो फिल्म स्टार है। उस पर हाथ डालने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होना चाहिए। वो तो आप ढूंढ लेंगे सर, आपके 20 साल के करियर में कोई ऐसा केस है जो आपने सॉल्व नहीं किया हो? आप तो बेकॉन स्प्रे हैं सर, जुर्म के सारे कॉकरोच आपके सामने घुटने टेक देते हैं। टिक टंडे क्या चीज है आपके सामने? साहब कैसे बजा सकते हैं? अच्छी तरह याद है तुम्हें? और आपके पास तो बहुत बड़ा मकसद है, बेवफाई का बदला। इसलिए आप तो राहुल को मार ही नहीं सकती, जैसे मैं अपनी दादी को मार नहीं सकता। सलमा जी, मैं आपके लिए राहुल का खून कर देता हूँ और आप मेरे लिए मेरी दादी का अदला बदली। मर्डर के बदले मर्डर? अरे ये कोई टीवी एक्सचेंज मेला है कि पुराना टीवी दिया ने नवा टीवी ले लिया? कुकी भाई, मैं होश में नहीं थी, पता नहीं क्या कमेंट कर दिया। अरे इधर कोई अजनबी को रद्दी नहीं बेचता, तुमने मर्डर के लिए हाँ बोल दिया, कमाल है। अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होएगा, तुम घबरा मत, तुम जाओ शूटिंग पे, वो फैन नंबर वन को मैं निपट लूंगा। काट 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 मैडम, ऐसे नहीं, आई वॉन्ट मोर फियर, डर डर। इस कातिल ने 20 मर्डर किए हैं और इंडियाज मोस्ट वांटेड में आप इसके एपिसोड को भी देख चुकी हैं। क्लैप, टेक टू, एक्शन। तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। कट इट। वाह वाह वाह, अरे क्या शॉट आपने दिया, क्या डर था। अरे मेरी तो खुद अपनी मेरा मतलब है, मैं तो खुद डर गया था। ये कितना अच्छा शॉट है, मुझे भी बहुत पसंद आया। थैंक यू फैन नंबर वन। हमारी डील अभी अधूरी है। कैसी डील? अदला बदली, मैंने अदला कर दिया है, तुम्हारी बदली अभी बाकी है। मर्डर के बदले मर्डर। देखो अनासिन अंकल, फार्म हाउस पे सबके सामने तुम्हारी मैडम ने राहुल को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी दी थी? कोई सचमुच का मारा थोड़ी था। अभी किसी फिल्म की शूटिंग में मैडम शाहरुख खान को मारने की धमकी देगी तो क्या उसका भी केस बनाओगे क्या? अबे पेन बाम, घमोलियों के सस्ते पाउडर, पुलिस से उल्टा सवाल करता है। देखो तुम तमीज से बात करो। हाँ पेन मैम ने खुजली का पता नहीं कौन सा पाउडर, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हुआ, मेरी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है तो इसका एनकाउंटर करके ऊपर पहुंचा दे। रिवॉल्वर नहीं है तेरे पास जो चुपचाप खड़ा इसकी बकवास सुन रहा है? और तू ऊपर की धमकी उनको देना जो टेबल के नीचे से माल लेते हैं। एक बार रिमांड में अंदर लिया ना तो ऊपर की बात करना भूल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्रगुलिक्स पापा, इस हादसे के बारे में जितना भी तुम जानते हो क्लिनिक ऑल क्लियर डैंड्रफ शैम्पू की तरह क्लियर क्लियर बता दो, वरना इंक्वायरी में तुम्हारे या तुम्हारी मैडम के इन्वॉल्वमेंट का जरा भी पता चलाना तो इतना मारेंगे कि जिंदगी भर बदन पे कपड़ों की जगह दुख दबाव लेप लगाकर घूमोगे। सर मैं परगोलेक्स खा के बोलता हूँ, नहीं मेरा मतलब मैं कसम खा के बोलता हूँ। तुझे कुछ नहीं मालूम ना, चलो अभी चलो यहाँ से। Get out! पुलिस के लफड़े में फंसा दिया। कुकी भाई एक तो बात बोलेगा बुरा नहीं मानेगा। देख बे आज मैं बहुत सड़ के आया हूँ, तू सड़ाएगा तो मैं तेरा थोड़ा सड़ा डालूंगा, तू मेरी तारीफ भी करेगा तो मेरा खराब लगेगा। सलमान बैठ, अंदर नहीं जाने का।
तेरे बाप का राज है क्या? अरे मैडम ने मना किया है। मेरे को? हाँ, उसको कोई मिलने को आया है। कौन मिलने को आया है? चड्डी आया है। अबे चड्डी में कौन आया? अरे चड्डी में एक बहुत हैंडसम आदमी आया है। तुम समझते क्यों नहीं? मैं ये नहीं कर सकती। आपको करना पड़ेगा मैम साहब। ए, हम लोग बहुत शराफत के रस्ते से चल के यहाँ तक आए ले, तू क्या करने कराने की बात कर रहे ले? चक्कर क्या है? ये वो ही है, फैन नंबर वन। चले चल बाहर निकल, चल चल गल। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ मेम साहब को कोई उंगली तक नहीं लगा सकता है, मालूम? तुम्हारे मरने के बाद तो लगा सकता है ना। नड्डा नहीं पकड़ने का, मेम साहब बोलो ना उसको नड्डा छोड़ने को। छोड़ो छोड़ो इनको, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ओके ऑलराइट, पुलिस मेरे को मारेगी, मैं जबान खोलेगा, जबान खोलेगा सबसे पहले तुम फंसेगी, लेकिन तुमसे भी पहले मैं इसको फंसाएगा। मेरे को काय को फंसाएगा भाई? इसलिए कि तुम्हारे वजह से मेम साहब भड़की ना मेरे पे। एक तू तेरा टेम्पर थोड़ा लूज कर, तू सोच के तू क्या करने को जा रहे ला यार? दादी को मारना चाहता है? अरे दादी मतलब बाप की माँ, उसको कोई मारता है? अरे जानमी तू मरेगा तो तेरे को जानम के ग्राउंड फ्लोर पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा कम बकत। अच्छा तेरे को जो मांगता है तू कर रहे है यार, तेरे को तेरी दादी को टपकाने का है ना, तो आइडिया मैं बताता हूँ ना यार। सही जगह आया है, अपना नाम मुन्ना अटेला है। अच्छे के साथ बुरा नहीं किया, बुरे के साथ अच्छा नहीं किया। 99 मर्डर किया है, सौवा 13 करेगा। हैं? क्या मतलब? तू जिसका बोलेगा उसका। कुकी भाई, अटेला भाई को सेंचुरी मारने को बोलो ना। अभी बोल किसका मर्डर करने का है, कहाँ मिलेगा? भाजी मार्केट, रोज शाम को उधर भाजी लेने को आती है। औरत है ना, एकदम बुड्ढी, आधी मरेली आधी तुम्हारी गोली से लुढ़क जाएंगी। दादी? दादी मतलब बाप की माँ। ये क्या समझता है रे तू अंडरवर्ल्ड वाले को? हम लोग पैसा लेके किसी का भी जान ले लेगा। अरे अपना दादी नहीं है इसीलिए अपन दादा बन गया। अभी बोल तू किसकी दादी को मरवाएगा रे तू? अभी क्या बोलूं, मेरे को तो शर्म आ रही है। पकिया ले जा इसको अंदर, चल। मेरे को काहे को भाई, मेरे को किधर लेके जा रहे ले? तू कौन? पता बताने के लिए आया था, पता होता इतना गंदा आदमी है तो पता ही नहीं बताता था। क्या खराब जमाना आ गया अपनी दादी, फिर भी देखना बुजुर्ग आदमी है, जरा हैंडल विद केयर। आता हूँ। कोई रोकना नहीं रे इसको, जान दो। एक तो बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का। आज आप हमको हॉरर शो का हीरो लगता है, किसी ने आपको मोर मोर के बैगन का भुर्ता बना दिया है। कोई पहलवान का बहन को छेड़ा तो नहीं तुमने? अरे तेरी बहन को तेरा बहनो ही ले जाए। अबे मैंने कभी अपनी घरवाली को नहीं छेड़ा, तू साले मेरे जख्मों के तार को सितार के तार की तरह छेड़ डाला भूतनी के। कुकी भाई, ये आपको क्या हो गया? एक मिनट, अबे वो प्लेग के चूहे उधर जाके सड़ बहुत बास मार रहे ला साला। कुकी भाई, ये सब कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, वो भाई लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे। वो कादर भाई ने, रजाक भाई ने, मुन्ना भाई, वो जितने भी भाई थे वो मेरे को बिरयानी का थाल समझ के मेरे ऊपर टूट पड़े। दे दनादन क्रिकेट के शॉट मारने को चालू किया, 2 मिनट में 200 रन बना डाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला वो लोगों ने आज। आप तो यहाँ सो गए, अब इस फैन नंबर वन से मुझे कौन बचाएगा? अब उसकी चिंता मत करो, उसका भी मैंने प्लान सोच लिए। क्या? डॉक्टर साहब मेरे को डिस्चार्ज कर दो ना, मैं शहर से भाग जाना चाहता हूँ। क्यों मेरे से बच के भाग जाना चाहता है? तू यहाँ भी आ गया? कुकी भाई, सपना जी किधर है? नहीं बताऊंगा। ये तो बहुत गलत बात है कुकी भाई। चला मैं जो हूँ आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे लाऊं, तो आप तो मेरा हाथ ही झटक रहे हो। चला मैं प्यार में 4 कदम आगे बढ़ रहे लाऊं, तो आप तो अपना कदम ही पीछे ले रहे हो।
ये राज जल्दी बता दो ना सपना किधर है, अपने दिल में कुछ रखो मत ने कुकी भाई। ए नहीं 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 कुकी भाई, ऐसा अपना मुंह मत मोड़ो ने। ए बता दो ने कुकी भाई। अभी तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। काय को? मेरे सब हिस्से तो तोड़ डाला तूने। नहीं नहीं अभी जबान बाकी है ने। जबान की मजाक नहीं करना। अच्छा चलो छोड़ देता हूँ, थोड़ा उठेंगे क्या थोड़ा? एक कहाँ लेके जाता है? नहीं ये किधर लेके जा रहे हैं यार? नहीं जाती दूर नहीं ले जाऊंगा, ये देखो। अरे क्या पहले दर्द दिया अभी दवा दे रहा है यार? नहीं मैं दवा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा पाउडर डाल रहा हूँ। काय का पाउडर है? वो थोड़ा सा खुजली का पाउडर है। खुजली का पाउडर? अच्छा जल्दी से बता किधर गए लिए सपना जी आउटडोर में? थोड़ा खुजा। नहीं तू पहले बता ने। नहीं तू बता ने। नहीं तू पहले बता ने। तू पहले बता ने। तू पहले बता ने। अरे आउटडोर शूटिंग पे गई लिए यार। कौन सी आउटडोर पे गई लिए? अरे रानी खेत गई लिए अभी खुजा। तू जाना। अच्छा पहले ये बता, तुझे अचानक ये रानी खेत जाने की कैसे सूझी? दादी मुझको तुम्हारी बात समझ में आ गई है, मुझको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर रहकर मैं जिंदगी भर मदारी के बंदर के माफिक नाचता रहूंगा, और मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि यहाँ पर रहकर मेरा काम हो ही नहीं सकता है। तो क्या तू हमेशा रानी खेत में रहेगा? हाँ दादी, अब मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें एक पल भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। ये बात और है कि दादी की सांसें बची कितनी है। अरे यार आपके भेजे के बर्तन में मेरी बात जाती काय को नहीं? मेरा रानी खेत पहुंचना जरूरी से ज्यादा जरूरी है, मेरे को पहुंचा दो मेरे बाप। सर आप समझते क्यों नहीं, प्लेन में एक भी सीट खाली नहीं है। अरे सीट खाली नहीं है तो मेरे को बाथरूम में कमोड पे बैठा दो, पायलट की सीट पे तकिए की तरह लेटा दो, बाहर पंखे से बांध के मेरे को हवा में लटका दो, बोलो तो मैं दरवाजे के हैंडल से लटक जाऊंगा, नहीं तो लोकल ट्रेन की तरह स्टैंडिंग में चला जाऊंगा। वो भी नहीं है तो मेरे को गोनी में डाल दो और लगेज में फेंकवा दो, मगर मेरे को रानी खेत पहुंचा दो मेरे बाप। इतना ही अर्जेंट है तो फैक्स से चले जाइए ना। फैक्स से? कभी करंट बंद हो जाएगा तो मैं आधा उधर और आधा इधर। क्या सड़ेला जोक मारता, तुमको शर्म नहीं आती गरीब आदमी के साथ क्या यार? दोस्त लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हारा रानी खेत पहुँचना जरूरी है, ये लो मेरा टिकट तुम चले जाओ। आपका टिकट मैं ले लूं? अरे भगवान आपकी उम्र 10,000 साल और लंबी करे। मैं चले गया, पिछली बार ऐसे ही एक सड़े हुए आदमी को टिकट दिया था, प्लेन ब्लास्ट हो गया, भगवान इसका भला करे। पप्पू वो खेत है ना वो हमारा है, आए कितनी अच्छी फसल लगी हुई है, वो देख नजीब वो भी हमारी है, और ये पहाड़। अब तुम कहोगे कि ये पहाड़ भी हमारा है? हाँ हाँ ये भी हमारा है। दादी फेंकने की भी कोई हद होती है? अरे चुप कर, नहीं तो टैक्सी के बाहर फेंक दूंगी। अभी तो तू अपना बंगला देखेगा। दादी आ गए। क्या बंगला है दादी, दादी दादी जीता रहे। नहीं पहले आशीर्वाद फिर प्रसाद। क्या हाल बना रखा है बंगले का, जा सामान ला। जी 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 पप्पू क्या है? यस दादी आ जा। यस दाद दादी दादी हमारे पास गांव में इतना बड़ा बंगला है तो हम लोग शहर में उस सड़ेली खोली में क्यों रहते हैं? चल अंदर। दादी बोलो ना प्लीज। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ अपने पुरखों के घर रानी खेत में रहे, मगर तुझे तो सड़ना उस मुंबई में, दे धुआं दे हंगामा, गाड़ियों पे गाड़ियां चल रही है। कितनी कंजूस है मेरी ये दादी, इसके पास नदी है जमीन है बंगला है झरने।
पहाड़ है, लेकिन इस मासूम बच्चे को 50-50 रुपए के लिए ये तरसा डालती है। अरे भगवान भी इसका खून माफ कर डालेगा। कहाँ है सपना जी? सपना जी, सपना, जल्दी से सामान लपेटो। उस कमीने को पता चल गया कि आप कहाँ शूटिंग कर रही है, वो कभी भी यहाँ पहुंचने वाला है। क्या अबे हंसते जख्म, तू मेरे को ये बता, तू मेरे को कौन से मनुष्य दिन मिला था यार? तुम्हारे बर्थडे वाले दिन। अबे तेरी ए मैडम, आप इससे निपटो, मैं इसका मुंह लगना नहीं चाहता। तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। फंस जाएंगे? मैं फंसा डालूंगा आप लोगों को अगर आप लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो। लेकिन तुम्हारा काम यहाँ रानी खेत में कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, मैं अपनी दादी को लेकर यहाँ पर आया हूँ, यहाँ हमारे पुरखों का घर है। क्या? हाँ, और मैं अपने घर का मैप भी लाया हूँ। ये रहा मेरे घर का नक्शा, ये है मेंडो, ये है हॉल, और ये है मेरी दादी का बेडरूम। मैं घर पे नहीं रहूंगा, दादी आराम से सो रही होगी, आप जाना और जाकर मेरी दादी का गला दबा देना। अच्छा समझ ले, कभी तेरी दादी जाग रही हो तो भी गला दबा देना। ये लाइटर रुमाल में क्या कर रहे हैं? ये मेरे को ये बता ना, मैं भी हंसूंगा। हंसने की बात ये है कि लाइटर राहुल का है और इसके ऊपर आपकी उंगलियों के निशान आ गए। अगर आज रात को आप लोग दोनों मेरे घर नहीं आए तो ये लाइटर मैं राहुल की लाश के पास पहुंचा दूंगा और राहुल की लाश का पता पुलिस के पास। नहीं नहीं, मैं मैडम को लेके आ जाऊंगा, बल्कि मैं मेरी डायरी में लिख लेता हूँ आज रात मैडम का सीन आपकी दादी के साथ खुश। इस तरफ ए दादी माँ, हम लोग एक बहुत राज की बात तुमको बोलने को आए ले। वो तुम्हारा पोता है ना पप्पू, बहुत लफाड़िया आदमी है, हमारे हाथ से तुम्हारा मर्डर कराना चाहता है। हम लोग को तो करने का नहीं है, तुम उसको अंदर करा दो, तुम्हारी जान भी छूट जाने, हम लोगों की भी जान छूट जाए। कैसा आइडिया है? बहुत कमाल का आइडिया है कुकी भाई। हाँ? मेरे को है ना पहले से मालूम था कि तुम लोग एक नंबर के धोखेबाज और फ्रॉड किस्म के लोग हो, इसलिए मैंने दादी को कथा सुनने के लिए बाहर मंदिर में भेज दिया था। तुम समझते क्यों नहीं, हम तुम्हारी दादी का खून नहीं कर सकते, हमें मर्डर करना नहीं आता। तो क्या मैं मर्डर करने की कोचिंग क्लासेस खोल दूं क्या? अबे यार तेरे टकले में बात जाती काय को नहीं है, हम लोगों ने पहले कभी कोई मर्डर किया नहीं है बाबा मेरे। हर आदमी को कोई ना कोई काम पहली बार करना पड़ता है, अगर तुम लोगों ने मेरे कहने पर पहली बार मर्डर नहीं किया ना तो मैं पहली बार तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूंगा, पहली बार तुम्हें सजा हो जाएगी, पहली बार तुम फांसी चढ़ोगे, पहली बार तुम मर जाओगे, पहली बार तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी, पहली बार तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पहली बार तुम्हारी विधवा बीवी किसी सुखी लाला के पास जाकर पैसों के लिए गिड़गिड़ाएगी, पहली बार वो सुखी लाला तुम्हारी विधवा बीवी पे रेप ट्राई करेगा, पहली बार तुम्हारा बेटा बिरजू डाकू बन जाएगा, पहली बार तुम्हारी विधवा बीवी तुम्हारे डाकू बेटे बिरजू की गोली मारकर हत्या कर डालेगी, ना रहेगा तुम्हारा डाकू बेटा बिरजू, ना रहेगी तुम्हारी विधवा बीवी और ना रहोगे तुम पहली बार। ये कुकी भाई है कि निकल लिया? इतना डराओगे तो कोई भी निकल ले, मेरे को तो हार्ट अटैक होने वाला था। हार्ट अटैक? हाँ कुकी भाई, जाओ और भालू की ऐसी डरावनी एक्टिंग करो कि उसकी दादी हार्ट अटैक से मर जाए। दादी इधर आ जा, दादी आ जा, आ जा, आराम से बैठ जा, एकदम आराम से दादी, एकदम आराम से। अभी क्यों मारा? प्यार आ गया। प्यार आ गया तो इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? प्यार तो आ गया लेकिन ये कुकी भाई अभी तक क्यों नहीं आया? मैं सेक्रेटरियों के सर्कस में काम करता हूँ, मेरे बोलता है भालू बनो, मैं क्या भालू बनने की चीज़? ये कुकी भाई नहीं आया अभी तक। अरे कुकी भाई, क्या कुकी भाई कमाल का गेटअप किया है, ऐसा लग रहा है सचमुच का भालू खड़ा है, किसी मदारी के हाथ लग गए उसकी तो लाइफ बन जाएगी। अरे कौन है? मैं हूँ। अब यार तू, वो कौन है? असली है, मैंने तो अभी तक चमड़ा भी नहीं पहना है। इसका मतलब ऊपर वाला भी वही चाहता है,
जो मैं चाहता हूँ आज दादी। ये तो उसको प्यार से ऐसे केला खिला रहे लिए जैसे वो उसका पोता है, तू भालू है। पप्पू चुप 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 चुप। यस दादी। अरे देख मोगली आया है। ये मोगली कौन है दादी? तेरे बचपन का साथी, तेरा दूध भाई। मेरा दूध भाई? हाँ हाँ, बचपन में तूने इसने एक ही बोतल से दूध पिया है। लानत है मेरे बचपन पर। इसे पता चला मैं आ गई हूँ तो मिलने आया है। अभी बब्बर भी आने वाला है। कौन? राजीव बब्बर? नहीं नहीं, शेर बब्बर, इस जंगल का राजा। शेर? अच्छा, जंगल का राजा शेर तुमको मिलने आ रहा है? सब अपने ही बच्चे हैं। अरे कौन से डिजाइन की दादी है तेरी यार? भालू पैर छूने को आता है, शेर तबियत पूछने को आता है, हाथी तरकारी लेके आता है, उसको यमराज नहीं मर सकता है, मेरा क्या बाप मारेगा? पप्पू पप्पू। यस दादी। यहाँ क्या कर रहा है दादी? वो है? ये कौन है दादी? ये चाचा जान है। अंकल जी, अंकल जी। चाचा? अरे मेरा तो एक ही बेटा था जिसका तू एक ही बेटा है, ये चाचा कहाँ से पैदा कर लिया? सूरत से तो मुझे ये चोर दिखता है। हाँ लगता तो मुझे भी ये कुछ चोर जैसा ही है। ए, तू अपने आप को चाचा चाचा करके क्यों बता रहा था? हा? अच्छा मैं तेरे को चोर लगता हूँ? और नहीं तो क्या? दादी मैं चोर नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, ये है ना मेरे को बोलता था। तुम आदमी हो या जल्लाद? कोई इस तरह से मारता है? क्या हाल बना दिया कुकी भाई का? मैं क्या करूं सपना जी, वो दादी के सामने मैं नर्वस हो गया था, वो तो लकीली मेरे हाथ में डंडा आ गया। इसका मतलब नर्वसनेस में तुम्हारे हाथ में गन आ जाती तो तुम इन्हें गोली मार देते। सपना जी भूल जाइए इस नमाकुल मजाक। मजाक? ये इतना बड़ा घुमड़ा तेरे को मजाक दिखता है? हाँ हाँ, इस मजाक को जिसे आप हादसा समझ रही है। और आप मेरा एक नया प्लान सुनिए। तुम अपना प्लान अपने पास ही रखो, अब ये काम हम अपने तरीके से करेंगे। तुम सिर्फ रात को अपने घर में मत रहना, कुकी भाई जाएंगे और तुम्हारा काम कर देंगे। फिर कुकी भाई? अरे हर बार मेरी नड्डे पे चुरी काय को रखती हो, कोई काम खुद भी तो करो। कुकी भाई आज रात को शूटिंग में हीरो के साथ मेरे सुहागरात का सीन है, क्या आप वो सीन कर सकेंगे? सीन कर तो लूंगा लेकिन खराब लगेगा नहीं? तो फिर जाओ और आज रात को काम खत्म करके ही वापस आना। पप्पू भैया मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप मुझे अपने साथ फिल्म दिखाने के वास्ते इतनी दूर लेके आए हैं। क्या है ना यार पाशा, मैं मुंबई में चार भिखारियों को सपना जी की फिल्म जरूर दिखाता था, अब क्या है ना यार अपने गांव में कोई भिखारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तू एक ही चार के बराबर है। और अब तू ही बता कि तू जैसे गवाह को मैं सपना जी की फिल्म नहीं दिखाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? गवाह? अभी तू गवाह के बारे में सोच के अपना वक्त मत गवा, ले केला खा। ओके अलाउद्दीन के जिन की तरह किधर गायब हो गई है यार? तू तो वही चोर है जो चाचा बनकर आया था। ये Yeah.
ए बंदूक नहीं, ए बंदूक नहीं, मैं तो मजाक कर रहा दादी नहीं रही। पप्पू भैया क्या हुआ? अरे पूजा भाई दादी नहीं रही, लगता है किसी दादी का खून कर दिया। अरे चुप चुप बोलिए पप्पू भैया। चुप चुप तो भी बोल रहा हूँ, क्या बोले? मेरा मतलब है कि सच्ची तो बोल रहा हूँ बेवकूफ। जाओ जाओ जाकर चेक करो, नदी के किनारे किसी पत्थर के पीछे दादी की लाश पड़ी होगी। जाओ चेक करो दादी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। भैया गई। पप्पू भैया दादी का कुछ पता नहीं है। क्या कह रहे हो? पाशा पाशा भाई जी, जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। अच्छा सुनो जी, गांव के किसी अच्छे पंडित को बुला लेना। पंडित क्यों? अरे दादी का क्रियाकर्म करने के लिए पागल। और हाँ, बाजार से चंदन की लकड़ियां भी खरीद के लेके आना। हम दादी का क्रियाकर्म चंदन की लकड़ियों से करेंगे। दादी को चंदन की लकड़ियों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। भैया मैं जाता हूँ। दादी अपने आप को संभालो भैया। दादी मैं गांव वालों को भी लेकर आता हूँ। दादी मैं जाता हूँ। आजादी, दादी आजादी। मुबारक हो सबका समय सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तनक दिन जागे। दादी तुम शर्म नहीं आती? आधी रात को पागलों की तरह भांगड़ा कर रहा है। दादी आधी रात को तुम ये बंदूक लेकर कहाँ गई थी? अरे वो चोर तेरा चाचा फिर घुस आया था, उसे भगाने गई थी। क्या हुआ उसका? छह गोलियां मारी, चार तो लगी होंगी। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरी गलतियों को कौन सुधारेगा? छोटी छोटी बातों पे सलाह लेने किसके पास जाऊंगी मैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। कैसे बोलेंगे, तीन गोलियां लगी हैं। इस खून की जिम्मेदार मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। Cut it! Schedule over. Everyone back to Mumbai. मैडम आपने बहुत अच्छा शॉट दिया, हमारे आंखों में आंसू आ गया। स्वप्ना जी एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का। हाँ? ये डेविड डवन डायरेक्टर हमको बहुत गड़बड़ दिखता है। क्यों? अरे हमेशा दो दिन पहले काम खत्म कर देता है, शेड्यूल पैकअप कर देता है। अरे हमारे दो दिन के पैसे का नुकसान होता है ना। चुन्नुदा दो दिन के पैसे मुझसे ले लेना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम लोग रानीखेत से वापस जा रहे हैं। शूटिंग खत्म हो गई तो क्या हो गया? मेरा काम खत्म हुए बगैर मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। अरे तो इधर रह के हम लोग क्या डांडिया खेलेंगे क्या? डांडिया खेलो या कुछ भी खेलो, मेरा काम खत्म हुए बगैर मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। अरे तेरा काम करने के चक्कर में कल रात को मेरा काम होने वाला था। इसकी वो बुड्ढी है ना हॉरर ऑफ ड्रैकुला, वो मेरे ऊपर क्या गोलियां चरा ले रही थी, जैसे मेले बच्चे लोग फूका फोड़ते ना उसे मेरा टकला फोड़ने जा रही थी। बात करता है। देखो हमने पूरी कोशिश कर ली, हमसे तुम्हारा काम हो नहीं सकता। हमारा पीछा छोड़ो और हमें जाने दो। अगर आप लोग डरे नहीं तो एक बात बताऊं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर डालता हूं। दादी के थप्पड़ खाने से तो अच्छा है ना कि मैं पुलिस के थप्पड़ खाऊं। मगर आप लोग डरो मत, मैं पुलिस को ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं, बाकी सब बता दूंगा। नहीं आप डरो मत, उसमें डरने की कोई बात नहीं, आपके बारे में तो कुछ बताऊंगा ही नहीं। कोशिश करूंगा आपके बारे में भी ना बताने की, इसमें डरने की क्या बात है? आप क्यों डरे हो यार?
मेरे को तो डर लग रहा है कि पुलिस कहीं मुझे फांसी की उम्र कैद की सजा ना सुना दे। आप डरो मत। अरे क्या आदमी है यार, डरो मत बोल के डराता भी जाता और बोलता डरो मत, भेड़ा समझता है क्या? तुम जाओ उधर बात करें तो चलो, डरो मत बोलता। इसको रोको, हाँ ये पुलिस के दो फटके पड़ेंगे ना तो जोशी के पोपट के तरह करके सब उगल डालेंगे। खुद भी फंसेगा ना, हम लोग को भी फंसाएगा। रोको उसको, बुलाओ। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा काम करके ही वापस जाएंगे। 4 बरस थया गांव में अकाल पड़ियो छे, घना जानवर मरी गया, भूख से तंग आकर मारी पतनी पतड़ा ने छोड़ी ने नासी गई। घर में खानों को दाणो नहीं है, दाणो को बर्तन नहीं है, बर्तन में पानी नहीं है, पानी को कुओं नहीं है, कुओं में मेंढक नहीं है। इसीलिए तू जवान बेटी को लेकर भीख मांगने निकला है। शर्म नहीं आती? जा, जाकर किसी नदी नाले में डूब मर। अरे ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, उनसे पत्थर तोड़, बोझा उठा, ताकत नहीं छे। अरे 2 रोटी तो मेहनत से कमा ही लेगा। आ गया भीख मांगने, चल निकल यहाँ से। दादी माँ, इस तरह से मालोक को ना निकालो। मालोक भीख नहीं, काम मांगने निकले, मगर के करे, कोई हमें काम ही ना देवे। बाबू की शक्ल देखे सब हमें चोर डाकू बदमाश समझे। आज मानो हालात बुरे हैं, पर माँ लोग बुरे नहीं। भीख मांग के खानों से बेहतर है कि हम लोग जहर खा के मर जावे। चलो बापू। ए छोकरी, ठहर ठहर, आज से तुम लोग यही काम करो। वाह सपना जी वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। दिल करता है किसी बिकाऊ अवार्ड से आपकी इज्जत में 4 चांद लगा दूं। बस इसी तरह से किसी दिन मेरी दादी के खाने में घोटाला करके दादी को। अरे चल चल। क्या बोला? नहीं, मैं इसको बोल रहा था, बहुत टाइम हो गया। चल चल। लाइटर याद है ना? हाँ सब याद है ना। हाँ। लाइटर, मर्डर, पूरा यूनिट वापस आ गया है। फिर तुम्हारी कोल्ड क्रीम मैडम उस जीरा गोली के खाली पैकेट के साथ वहाँ क्या कर रही है? पूरी दादा हमको भी समझ में नहीं आता है कि हमारा मैडम के पास मरने का फुर्सत नहीं है, फिर वो जिंदा भटकती आत्मा के साथ उधर क्यों करता है? एक तो बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का साथ, हमको तो डाउट है कि चूहे मारने की सड़ी दवाई। डाउट तुमने करेगा, डाउट करने का काम हमारा है। इस केस को जुकाम समझाता परे तो जॉन्डिस होता जा रहा है। उस वायगरे के साइड इफेक्ट कुकी को एक बार इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो तो शहर छोड़ के भाग गया। अब पता लगाना है वो इनो का बुलबुला रानी खेत में रुक कर क्या कर रहा है। अच्छा एक बात बता, तू भैंस है क्या हाथी है? तेरी साइज समझ में नहीं आ रही, इतनी मोटी होती है क्या भैंस? तेरे को तो रगड़ते रगड़ते लगता है मेरे दोनों हाथ नीचे गिर जाएंगे। सर्कस का काला तंबू। ए बोलो माँ जी। अरे तू भैंस को नहला रहा है या पढ़ा रहा है? निकम्मा कहीं का, कोई काम करना नहीं आता, इसीलिए तो तेरे गांव में अकाल पड़ा। अरे वो देख पीछे गोबर लगा है। किधर? हाँ तेरे नहीं, भैंस के। उसे निकाल उखेड़ के नाखून से। मैं उखाड़ू? जी। क्या कहा? नहीं मैं बोला जी, मैं उखाड़ता हूँ खुरच खुरच के। अब जाओ मैं खुरचता हूँ। ठीक से निकालना, काम चोर कहीं का। काम चोर? कभी कभी मेरे को लगता है ये पप्पू बिल्कुल ठीक बोलता है, ये बुड्ढी को तो पैदा होते ही मार डालना चाहिए था, मगर वो जमाने में उसको कौन मारता? मेरा बाप भी तो पैदा नहीं हुआ था। चेता नहीं है क्या भाई? खुरचता हूँ तेरे को। ए छोकरी, तू प्याज काट रही है या नाखून? दादी मन ने ये सब काम ना आवे। ये सब काम नहीं आता तो क्या नौटंकी में नाचती थी? ये सारा कसूर तेरे उस निकम्मे बाप का है, खुद तो है ही काम चोर और बेटी को भी कुछ नहीं सिखाया। ए छिलका निकाल कर काट, बेढंगी कहीं की। बेढंगी कहीं की? सपना जी, दादी गोभी मारने से नहीं मरेगी। तो कैसे मरेगी दादी? चाकू, गोली, बम,
क्या लाए हो दादी को मारने के लिए? फिलहाल दादी के लिए कुछ नहीं लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। आपका फेवरेट साबुन, पेस्ट, परफ्यूम, मिकी माउस। मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे तो ये भी मालूम है कि आपको पिंक कलर बहुत पसंद है। सुबह उठने के बाद आप कॉफी पीना पसंद करती हैं, रात को खाने के बाद सोने से पहले कोई भी चॉकलेट खाना पसंद करती हैं। दुनिया के लिए आप बहुत बड़ी स्टार सही, मगर हकीकत में आपके सपने एकदम आम लड़कियों की तरह हैं। छोटी छोटी चाहते, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सपने, है ना? मुझसे ज्यादा तो तुम मेरे बारे में जानते हो। ये देखिए, आपके बारे में जिस जबान में, जिस अखबार में जो खबर छपी, मैंने काट के अपने पास रखी। फैन अपने स्टार के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर स्टार के लिए एक फैन एक अजनबी होता है। हजारों की भीड़ में हाथ दिखाता हुआ एक गुमनाम चेहरा, ऑटोग्राफ मांगा ऑटोग्राफ दे दिया, फोटोग्राफ मांगा फोटोग्राफ दे दिया, मगर हमारे लिए, हमें आप तक पहुंचने के लिए मालूम है कितने पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, ब्लैक में टिकट लेने के लिए कितना झगड़ा करना पड़ता है। आपको फिल्म में खुश होते देखा तो हम खुश, उदास देखा तो हम उदास, और मरने के सिन पर तो मेरे तो आंसू निकल पड़ते मालूम। हाँ, और इतने आंसू निकलते कि थिएटर से ही बाहर निकाल दिया जाता है तुम्हारी तरह। वो तो इसलिए कि मैं कभी आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकता। आप मेरी कहीं टांग तो नहीं खींच रही? नहीं नहीं, एक बात कहूँ, दुनिया में मेरे लाखों करोड़ों फैन है, लेकिन तुम मेरे असली फैन हो, फैन नंबर वन। ये फैन नंबर वन तो मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम नंबर वन बन गया है। हे भगवान, न तू दादी को मारता है न ये मरती है, मैं जा रहा हूं उसको मारने को, तू मेरी हेल्प कर देना, ये तकिया फ्लॉप नहीं करना। नहीं दादी, मन नहीं, नहीं गोली मत मारना, मैं आपको जानबूझ के मारने को नहीं आया था। वो आपका पोता ना लफाड़िया पप्पू, उसने मेरे को जबरदस्ती आपको मारने को पीछे लगाए लाए। वो क्या है, मेरी उंगलियों के निशान उसके लाइटर पे आ गए ले, तो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे लाए, नहीं तो मैं आप ये लुढ़क तो नहीं की? नहीं बे, बुद्धा खराटे थोड़ी लेता है। गेलिया, कमल डिजाइन की बुड्ढी है, आँख खुली रख के सोती है, टपका सकते है इसको तो। ये क्या है? क्या है? ए बुड्ढे, क्या कर रहा है यहाँ भाई? नहीं वो मैं दादी माँ के सर के नीचे तकिया रख रहे लेता, निकल गया था ना। अच्छा बजा लेते हो? अच्छा बजाए नहीं, अच्छा गा भी लेता हूँ, ऑर्केस्ट्रा नंबर वन का आर्टिस्ट नंबर वन हूँ। स्मार्ट भी हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? नहीं स्टेज तक ठीक है ना, फिल्म में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं, देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मान लो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। क्यों गरीब आदमी को गलत लालच दे रही हो? मेरा मतलब है कि फिल्म में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा नाम गंगा है, ठीक है, और तुम्हें मेरे पास आकर अपने प्यार का इजहार करना है। ओके, कम ऑन, चलो। प्यार का इजहार? हाँ प्यार का इजहार। मैं बोलूं क्या? मैं क्या बोलूं? बोलो कि गंगा में आ गया, ठीक है, और इसे जरा इमोशंस के साथ कहना, प्यार के साथ कहना, जरा भावुक होके कहना। हाँ, फुल इमोशंस। ओके या ओके, आई विल ट्राई। गंगा मैं आ गया। भीख मांग रहे हो क्या? चलो वापस जाओ। अरे तुम अपनी महबूबा से प्यार का इजहार करने आए हो, खुश होके कहना चाहिए, और तुम इस तरह से क्या? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जोश के साथ कहो। जोश, okay. जोश, हाँ प्यार, जोश, जोश, खुशियाँ। गंगा मैं आ गया।
किसी की शादी में नाचने आए हो क्या बाबा? गंगा तुम्हारी महबूबा का नाम है, महबूबा का नाम। उसे प्यार से कहो, प्यार प्यार। एक बात बोलूं? हाँ। ये गंगा नाम रहने दो ना। क्यों? गंगा मेरी दोस्त की माँ का नाम है। अच्छा ठीक है, तुम मेरा नाम ले लो, ठीक है? सपना। सपना बोलूं? चलेगा आपको? हाँ। सपना में आ गया और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहकर रहूंगा। पता नहीं दोबारा ये बात कहने का मौका मिले या ना मिले। सपना, जब मैंने तुम्हारी पहली फिल्म का पोस्टर देखा तुम मुझे अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी पहली फिल्म देखी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तुम्हारा फैन नंबर वन बन गया। और उसके बाद तुम्हारी हर फिल्म के साथ मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए बढ़ती गई। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारा फैन नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन मैंने उनकी बातों का कभी यकीन नहीं किया। लेकिन अब तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बाद मुझे भी इस बात का यकीन हो गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारा फैन नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो ये मुझे बताती है कि तुम भी मुझे चाहती हो। कहो सपना, तुम मुझसे प्यार करती हो? कहो सपना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम मुझसे प्यार करती हो? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? तुम एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज तुम्हारे दिल से निकल रहा है? खतरनाक एक्टर हो, किसी की भी जान ले सकते हो। ब्रिलियंट। बहुत अच्छे। ये इधर मैडम को रोमांस सिखा रहे ले, उधर बम्बई में प्रोड्यूसर मेरे को गाली दे रहे होंगे कि ये कुकी भाई मैडम को लेके किधर मर गया। मैं मर गया कि ये मर रहे ली? सर, सर एड्स का इलाज मिल गया सर। क्या बक रहे हो? सर मेरा मतलब है लुकमान हयात, सुरमा नूरानी, चेहरा मुल्तानी, सपना के खिलाफ सबूत मिल गया है सर। ये देखिए टेलीफोन एक्सचेंज की सोनोग्राफी रिपोर्ट आई है सर। 15 दिसंबर को अलीबाग में राहुल का खून हुआ था और 16 दिसंबर की सुबह अलीबाग से 4 फोन आए थे उस मिसवाक की मुस्कान सपना को, और उसके फौरन बाद उस चार्म स्क्रीन ने अपने मोबाइल से राहुल के घर में फोन किया था, एवरीथिंग इज डेड। आई सी। चलिए सर, उस लैक्मी ब्यूटी को गिरफ्तार करके हम हवालात में मूव करते हैं। अब वो स्टे फ्री नहीं रह सकती सर। इतने छोटे से सबूत पर अगर हम सपना को गिरफ्तार भी कर लें तो उसका वकील उसे 5 मिनट में छुड़ा कर ले जाएगा। ये मत भूलो कि अभी तक हमें राहुल की लाश नहीं मिली है। राहुल की लाश गई कहां? मक्के की राब, सोयता, दाल बाटी, कड़ी पकौड़े, मालपुआ और झांझरिया। अरे रे, इतना और लस्सी भी साथ लाना। हेलो ब्रदर, मैं सपना। कल मैंने यही पिक्चर देखी थी। क्या काम किया है, कमाल की आर्टिस्ट है। दिखती भी क्या है, मुझे तो कमाल की ही लगती है। एक बार मिल जाए तो। तू तो मिलने की बात कर रहा है, मैं बताऊं मेरा हाल क्या है। मैं रोज सपना के साथ सपने में गाना गाता हूं यार। अरे ये क्या कर रहे हो? डोंट रिएक्ट, रहने दो, चलो यहाँ से चलते हैं। प्लीज झगड़ा मत करना। अकेली चारों को मिल जाए? अरे हम चारों का क्या, मुझे अकेली मिल गई तो उसकी हालत क्या होगी? देखिए भाई साहब, किसी भी लड़की के बारे में ऐसे बातें करना ठीक नहीं है। तेरे को इतनी तकलीफ काहे को? नहीं तकलीफ तो होगी ना, बात ऐसी कर रहे हैं, तकलीफ तो होगी। और पूछिए मत कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है। तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे वो तेरी घरवाली हो।
और साथ बैठकर चाय पी रही हो। तो इसमें इतनी हंसी की क्या बात होगी? क्या बात होगी? ये कह रहे थे ठीक ही तो कह रहे थे। ठीक तो बोल रहा था, इनके साथ बैठ के चाय पी रही थी। चाय पी रही थी, खाने का ऑर्डर किया था, तू भाग क्यों गया? लेकिन तुम क्या कह रहे थे? तू बोल क्या रहा था? क्या बैठा था? रहा क्या कह रहे थे? तुम क्या कह रहे थे? मैं मिल जाऊं तो तू क्या कह रहा था? बोल क्या रहा था? क्या करता क्या तू बोल? तुम क्या कह रहे थे? मैं क्या? अरे यार फंसा रहे तुम। अरे बकवास कर, मैंने कुछ नहीं कहा आपके बारे में। सॉरी सपना जी। अगर आप किसी को इतना ही पसंद करते हो तो उनकी इज्जत करो, गिरो मत। सॉरी। चलो यार, सपना जी यहाँ इसके साथ रानी खेत में, कमाल है। अच्छा हो गया भाई साहब आपने सॉरी बोल दिया, वरना मैं आपको डंडा मारने वाला था मालूम। यस दादी। अरे डूंगरपुर में तेरी मौसी की लड़की की शादी है, उस छोकरी पन्ना को शादी के कामकाज में मदद के लिए ले जा। दादी उसे? हाँ हाँ, और तू भी वहां रहकर मदद करना, मैं शादी के दिन उस निकम्मे बुड्ढे और पाशा को लेकर आ जाऊंगी। मुझे शादी ब्याह का माहौल बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ खुशियाँ, बाराती, संगीत, रोशनी। पर मेरा एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं जब भी किसी शादी पे जाती हूँ तो लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के मुझे देखने टूट पड़ते हैं, वही ऑटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स। मैंने शादी ब्याह पे जाना छोड़ ही दिया, पर आज इस तरह तुम्हारे साथ यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सपना जी एक बात बताइए, शादी ब्याह तो जीवन भर का बंधन होता है, फिर इंसान को शादी किससे करनी चाहिए? मुझे लगता है कि इंसान को उससे शादी नहीं करनी चाहिए जिसे वो प्यार करता हो, बल्कि उससे शादी करनी चाहिए जो उसे प्यार करता हो। क्यों? क्योंकि जो उसे चाहता है, प्यार करता है, वो उसकी खुशी का, गम का, सुख का, दुख का, पसंद नापसंद का, हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखेगा। क्या बात करती हैं? ऐसे देखा जाए तो मैं आपकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरी दुल्हन बनेंगी आप? शरबत अंदर, दम भर, ने बुड्ढी ऊपर। मेरे को लगता है राहुल के मर्डर का भांडा फूट गया है। अब बताओ दादी, किसी की ने बरात अपनी? पायला के माजी आ गए सूरजवान। जीते रहो, बैठो। ओने कम में। जी 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 जी। इधर आ। इधर आ। जी माँ जी। देख मेरी पसंद, ये पप्पू की पत्नी बनने लायक है ना? बहुत सुंदर, अति सुंदर तो पप्पू ने मड़वानी ना थो। अच्छा चल, अब मेहमानों को शरबत पिला। लीजिए भाई साहब। बिटिया जी, लो माँ जी को शरबत पिलाओ। माँ जी पहले आप अपनी बहू के हाथों शरबत पीजिए। जीती रहे। ऐसे दूध की दुकान के बाहर खड़ी भूखी बिल्ली की तरह क्या टोकर टोकर देख रहा है? नहीं मैं ले, तू भी शरबत पी ले। नहीं मारो टाइम नहीं था। पी ले, तू तो वहां से आया जहाँ कुएं में भी पानी नहीं था, तेरी तो रूह तक प्यासी होगी। पीता है कि नहीं? नहीं मराठी नहीं पिए जाए, शरबत पियो तो मरी जाऊं। अरे शर्मा मत पी लो, वैसे भी माँ जी की बात यहाँ कोई नहीं डालता है। वो बराबर है, मगर हूँ शरबत नहीं पीवानू। नहीं अरे लाइए। किस क्या करते? अरे आज खुशी का दिन है, मेरी बेटी की बात पक्की हुई है। नहीं लो, मेरा मेहरबानी करो, मेरे नहीं पिएगा। निकाल, मैं कहता हूँ निकाल। अरे क्या करता है यार, दाढ़ी भी निकाल दिया और तू मेरा जहर निकाल रहे कि मेरी जान निकाल रहे? अरे क्या करता है कुकी भाई, जहर पिलाने के लिए भेजा था और खुद पी के आ गया। तो जानबूझ के थोड़ी पिया, कोई रूह अफजा थोड़ी था, जहर था उसमें, और मैं खुद से थोड़ी पिया, वो पुलिस वाले ने पिला दिया। मालूम नहीं इतने सारे पुलिस वाले किधर से आ गए, इतने सारे पुलिस वाले तो पुलिस स्टेशन में नहीं देखा। एजी ने, केजी ने, डीजी ने, आईजी, पता नहीं कौन सा जी। पर एक बात बोलूं,
भिड़ू तू तो गया काम से। क्यों? तेरी दादी ने तेरी शादी वो दामनी के साथ पक्की कर डाली। शादी? हाँ। नहीं दादी, तुम कर क्या रहे हो? चोरी कर रहा हूँ, सब पैसे चुरा के बॉबी के साथ भागकर शादी कर लूंगा। वरना मेरी दादी है ना, मेरी शादी उस पुलिस वाली दामनी के साथ करवा देंगी। पता चला जिंदगी भर तो दादी के हाथों की मार खाता रहा, बची हुई जिंदगी दामनी जी थप्पड़ मार रही है। ये क्या कर रही है? ये क्या है? ये तुम्हारी दादी की वसीयत है। अरे फाड़ कर फेंक दो इसे, इसमें भी यही लिखा होगा बुड्ढी ने कि उसके मरने के बाद 50 रुपए हफ्ते पप्पू को खर्चे में मिला करेंगे। नहीं, दादी ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है और साथ में एक चिट्ठी भी है तुम्हारे लिए। जब तू ये खत पढ़ रहा होगा, ये बुड्ढी मरकर हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से दूर जा चुकी होगी। मुझे पता है कि मैंने तुझ पर बहुत सख्ती की है, पर अपनी जीवन भर की पूंजी अपने बेटे और बहू को खोने के बाद इस बुढ़िया की झोली में सिर्फ एक ही सिक्का बचा था, तू। और मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। मैंने बिन माँ बाप के बच्चों को बिगड़ते देखा है, इसलिए मैं तुझे हर बुराई से बचाना चाहती थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुझ में कोई बुराई नहीं है, अब तू आज़ाद है। मैंने ये सारी दौलत तेरे लिए संभाल कर रखी थी, आज से ये सब कुछ तेरा है। मेरी प्रार्थना है कि तुझे जिंदगी में हर वो खुशी मिले जिसकी तूने तमन्ना की थी। तुम्हारी दादी। तुमने छोड़कर नहीं जा सकती, आज तक तो मैं गलत था और जब मैं आज सही हुआ तो तुमने छोड़कर चले गए। दादी नहीं, दादी नहीं, नहीं दादी, मुझे माफ कर दे। मैं कितना गलत निकला दादी, मैं तेरे बारे में कितना गलत सोचा। दादी तुम जिंदा हो? हाँ, तो तू क्या समझा मर गई? हमेशा मेरे मरने की प्रार्थना करता रहता है, तेरा बस चले तो मेरा गला घोट कर सारा माल ही लूट ले। अरे नहीं 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 दादी, भगवान करे कि तुम मेरे बुढ़ापे तक जिंदा रहो, मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन इस दुनिया में। अच्छा ठीक है आंसू पोंछ, शर्म नहीं आती मर्दों के रोता है? जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तभी आकर भंग कर देता है। तो तुम ऐसा ध्यान ही क्यों करती हो कि लगता है कि मर गई? हाँ। जा कर कॉफी बना कर ला। अरे चल। अरे मेरी मेरी दादी, अरे मेरी प्यारी प्यारी दादी, अरे मेरी दादी दादी दादी, मानता है कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाता हूँ। हाँ जा जा प्यारी दादी। पागल कहीं का, भगवान इसे हमेशा सुखी रखे। थैंक यू गॉड, तुमने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे अरे मेरी दामिनी बगैर प्रिंट और पब्लिसिटी के मेरा काम मेरे देश में कैसे रिलीज हो गई? बस अपने रंगीला की बहुत याद आ रही थी, मैं दौड़ कर चली आई। हाँ, गले लगा। अच्छा तुम्हारी मदर 98 का क्लाइमेक्स हुआ? तुम दादी की बात कर रही हो? हाँ। अरे जय संतोषी माँ, भगवान ना करे कभी दादी का क्लाइमेक्स आए। हम लोग खामखा उनको बैंडिट क्वीन समझ रहे थे, वो तो गॉड मदर निकली। और जानती हो वो जो कर रही थी मेरे भले के लिए कर रही थी। अब तुम इस गांव में रहकर उनकी जमकर सेवा करना और उसके बाद हम रानी खेत में ही अपना स्वर्ग बसाएंगे। ए मिस्टर इंडिया, मैं इंडिया वापस अपना घर बसाने नहीं, मैं अपना करियर बनाने आई हूँ। तो तुम मुझे अपने करियर की सीढ़ी बनाना चाहती हो? बी प्रैक्टिकल डार्लिंग, हम दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचो, अराउंड द वर्ल्ड शोज होंगे, नाम होगा, शोहरत होगी, आजाद जिंदगी होगी। और तुम ये सब कुछ उस ओल्ड लेडी के लिए कुर्बान करना चाहते हो? देखो तुम्हें आज फैसला करना होगा कि तुम्हें दादी चाहिए या फिर मैं। रिटर्न टिकट लाई हो डार्लिंग? हाँ। ओके, ये लो। मैं तुम जैसी 555 उम्र जान अपनी दादी माँ पर कुर्बान कर सकता हूं, क्योंकि मेरी दादी माँ है ना, लाखों में एक है। यू चालबाज, धोखेबाज, आवारा, बदतमीज, 420 झूठा कहेगा, लोफर।
खामोश खुदगर्ज बेवफा मतलबी फरेबी जालसाज नमक हराम नालायक नागिन, चलती का नाम गाड़ी हो जाए मेरी नजरों के सामने से, वरना कसम विश्वनाथ की तुम्हारे इस कागज के फूल जैसे चेहरे पर कोयला मारकर तेजाब डालकर बॉर्डर के उस पार छोड़ाऊंगा, जहां पर परदेसी बाबू तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम्हारे दिल से पुकार निकलेगी कि खामखा तुमने करियर के चक्कर में एक बूढ़ी दादी माँ से उसके पोते को अलग करने की कोशिश की। साजन की सहेली तो बना सकी, सनम बेवफा हो गई। अरे मुझे क्या बॉम्बे बॉय समझ रखा है? सत्या हूं मैं, सत्या। यू गॉडजिला, यू ड्रैकुला, यू एनाकोंडा, जुरासिक पार्क, गॉन विद द विंड एंड फ्रॉम टुडे यू आर अ ब्लडी टाइटैनिक फॉर मी। जान छुट्टी ये जगह से कुकी भाई। सब तैयारी होगी? हाँ सब तैयारी होगी भाई, सब सामान लोड कर दिया है, अभी जाते हैं। 50-60 साल में कभी बम्बई आना तो आना, मिलना जरूर है। अच्छा अभी मैडम को भेजो, देर हो रही है। वो मेरे साथ नहीं है। क्या फेंक रहे हो यार, वो उधर भी नहीं है, उसका क्या जाने का इरादा नहीं है? अरे बुलाओ उसको, देर हो रही है। देखता हूँ मैं। सपना जी आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, आपकी फ्लाइट का वक्त हो गया है, जाना नहीं है क्या? एक बात बताओ, क्या तुमने सचमुच राहुल का खून किया था? तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ। नहीं सपना जी, मैंने राहुल का खून नहीं किया। मैं राहुल को मारने के लिए उसके पास गया जरूर था, मगर उस वक्त उसने इतनी शराब पी रखी थी कि शायद अपना लाइटर उठाने की कोशिश में वो खुद लड़खड़ाकर पानी में गिर पड़ा। अरे 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 राहुल! मतलब मेरा दिल सच कहता था, तुम्हारे जैसा खुशियां बांटने वाला एक अच्छा इंसान किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ आपके दिल को मेरा थैंक यू। अब आप जाइए, वो कुकी भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है, मेरा यहाँ आना भी एक मजबूरी थी, यहाँ से जाना भी एक मजबूरी है। चलो। नहीं मैं आपको छोड़ने नहीं आ रहा हूँ, दरअसल क्या है कि आपको जाता देखकर मेरी आंखें नम हो जाएंगी, और आप भी मुझे पलट के मत देखना, और ना आपको रोता देखकर तो मेरे भी आंसू निकल। एक घंटे से बैठा चुनचुना बजा रहा, पता नहीं इस कम वक्त मारे को क्या हो गया। मुझे खुद पता नहीं मुझे क्या हो गया। कौन है वहां? आप? की गल है पुत्र? अंकल मुझे ऐसे लगा कि ऊपर कोई है। नहीं पुत्र, इतना था सिर्फ 80 लोग हैं। रात बहुत हो गई, जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
आईएएस ऑफिसर, फोन क्यों किया था? सर, हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को क्लियरिंग के वक्त अपर डेक पर ये कार्ड मिला। तो ये कार्ड हमने उस शो में इशू किए थे जिसमें राहुल का मर्डर हुआ था। शो लोअर डेक के हॉल में था और ये कार्ड जहां से मिला है वहां पर शो के किसी भी आर्टिस्ट को जाने की परमिशन नहीं थी। ये कार्ड अपर डेक पर आया कैसे? तूने राहुल को क्यों मारा? अरे मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो वहां पर शो करने के लिए गया था। शो नीचे था, जहां पर राहुल था उस डेक पर तू क्या करने गया था? मैंने कहा ना, मैं डेक पर नहीं गया था। अगर तू डेक पर नहीं गया था तो फिर तेरा आई कार्ड वहां ऊपर कैसे पहुंच गया? मैं जानता हूं तेरा और राहुल का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर राहुल का ये लाइटर तेरे पास कैसे आया? बोल, किसके कहने से तूने राहुल का खून किया? बोल, कब तक चुप रहेगा? तू बोलेगा, क्योंकि जब तक तू जबान नहीं खोलेगा मेरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी। कुकी भाई, कुकी भाई, क्या आपको पता है कि उन्होंने फैन नंबर वन को अरेस्ट कर लिया है? तो गरीब की बद्दुआ लेगा तो ऐसा तो होने वाला है। कुकी भाई, मुझे से मिलना है। क्या बात करती हूँ, इंस्पेक्टर कामत को पता चला तो आप उन दोनों 14 दिनों के लिए अंदर हो जाएंगे। वो मुझे नहीं पता, मुझे से अभी मिलना है। अरे नहीं मिल सकते बाबा। कुकी भाई, मैंने कहा ना मुझे से मिलना है तो मिलना है। सब पुलिस के प्यार की निशानी। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैं आज ही तुम्हें यहाँ से। आज के बाद आप मुझे मिलने के लिए यहाँ कभी नहीं आएगा। अगर आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो आप फंस सकती हैं। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। और जब तुमने खून किया ही नहीं तो डर किस बात का? डर आपकी बदनामी का। भले ही मुझे फांसी हो जाए मगर मैं आपके नाम पे दाग नहीं लगने दूंगा। पर क्यों? तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो? बोलो बाय। फैन हूँ आपका, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। बस अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी दादी को संभाल लेना। वैसे भी सपना जी, जो 4 दिन मैंने आपके साथ गुजारे ना, उन 4 दिनों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। अब अगर मर भी गया ना तो गम नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ला 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 ला। हेलो, मिलाई फैन नंबर वन से? कौन बोल रहा है? फैन नंबर टू। व्हाट? ये मत समझिए कि आपका फैन नंबर वन जबान नहीं खोलेगा। आपके सामने एक टेबल है, उसकी दराज में एक लिफाफा पड़ा है। जरा सोचिए, ये तस्वीरें अगर एसीपी कामत के हाथ लग गईं, तो उसे ये केस सॉल्व करने में कितना वक्त लगेगा? ये तस्वीरें मुझे भेजने का क्या मतलब है? बहुत भोली हो तुम सपना, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं। मुझे इन सबूतों की कीमत चाहिए, 5 करोड़। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम और फैन नंबर वन दोनों जाओगे। ले जाओ कुकी भाई। मैडम, एक बार फिर सोच लो। पप्पू ने बोला कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, जब उसने बोल दिया तो मर जाएगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा।
जब वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन ब्लैकमेलर के पास उसके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत है जिससे उसे सजा हो सकती है। तो क्या उसके लिए तुम अपनी जिंदगी की सारी कमाई लुटा दोगी? मेरी जिंदगी भर की कमाई उसकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। करोड़ है ये, 2 करोड़ मेरे, 75-75 लाख तुम लोग आपस में बांट लेना, और फिर दोबारा कभी ये मत कहना कि बड़े भैया ने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमेशा कहते थे कि बड़ा भाई पुलिस में होकर भी ऊपर की कमाई नहीं खाता। अरे भाई मैं पुलिस वाला हूँ, कोई भिखारी नहीं जो 500-500 रुपए के लिए रोज दारू और मटके वालों के दरवाजे पे खड़ा रहूं। सोचा था जिंदगी में एक ही हाथ मारूंगा, पड़ा एक फिल्म स्टार ने फैन से मिलके अपने आशिक के मर्डर का प्लान किया। इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत मेरे हाथ लग गए। फिर रानी खेत में मैंने उन लोगों पर नजर रखी। सारे सबूतों को पुलिस रिकॉर्ड में देने की बजाय मैंने अपने पास रख लिया। सपना को ब्लैकमेल किया, आज 5 करोड़ का मालिक बन गया। लेकिन भैया राहुल अब भी जिंदा है। जब मैंने पूरा प्लान बना लिया तो मुझे पता चला कि राहुल जिंदा है। साहब 15 दिन पहले उस आदमी की बॉडी हमें वहाँ पानी में मिली थी। मैंने राहुल को अपने कब्जे में कर लिया, अब हमारा काम हो गया है। राहुल को मार के फेंक दो। उसे पहले क्यों नहीं मार दिया भैया? इसलिए कि अगर फिल्म स्टार अपना पैसा नहीं देती तो राहुल के घर वालों से वसूल करता। राहुल तुम दुनिया के पहले ऐसे आदमी हो जिसका चौथा पहले हुआ है लेकिन मर बाद में रहा है। तू यहां? इसे मैं लाया। मुझे आप पे तभी शक हुआ था जब आपने क्रोसिन जैसी छोटी गोली से ठीक होने वाले छोटे केस को सॉल्व करने में एक बच्चे की डिलीवरी कराने जितना टाइम ले लिया। मेरा शक सही निकला। इसलिए आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट पर लगे गंदे धब्बे दाग को धोने के लिए मैं डबल एक्शन व्हील डिटर्जेंट पाउडर लाया हूँ। शक्ति ज्यादा और धुलाई का वादा। पप्पू मैं आ गई। अरे दादी यहाँ के दिवाली मनाने आई हो? सारी गोलियां पटाखों की तरह हवा में उड़ा दी, अब इनको मारेंगे कैसे? अरे हम दोनों है ना, हम इनके लिए काफी है। ओके दादी कम ऑन। अभी क्यों मारा? चोट मारा। दादी मैं तो आपकी पार्टी का हूँ, मुझे मार रही हो? तू क्या मंकी ब्रांड के बंदर की तरह दांत दिखा रहा है? जा जाके लड़। ये मेरे डायलॉग मेरे को बोल रही है? इस बुड्ढी को यहाँ लाके मैं फंस गया हूँ। मैं जाता हूँ। मेरे को मारे, तुम मारे।
मच्छर तक को मार गिरा है। अलाउड पप्पू भाई, रानी खेत जा रहे हो? हाँ सपना जी, आज के बाद शायद आप मुझे ना देख पाए, मगर मैं जब चाहूं आपको देख सकता हूँ। कैसे? फिल्म के पर्दे पर। फिल्म में देखा करूंगा ना आपकी रानी खेत में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सपना, hey, सपना तुम अभी तक यही खड़ी हो, प्रीमियर शुरू होने वाला है। Come on, what are you waiting here for? Come on, come on, come on, come on, move it. तो मुझे अपनी हर बात कह दी, लेकिन मुझे मेरी बात कहने का मौका दिए बिना ही चले जाओगे? मैं आज सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। तुमने मेरे साथ 4 दिन गुजार के अपनी सारी जिंदगी जी ली, लेकिन क्या तुमने ये कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ 4 दिन गुजारने के बाद मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जी पाऊंगी? कौन मेरे सुख का, दुख का, खुशी का, गम का, पसंद नापसंद का, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखेगा? आज मैं इस पर्दे की दुनिया से निकलकर हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया में आना चाहती हूं। अपनाओगे मुझे? कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं। आज इनका प्यार देख के मेरा दिल भी इस बात को मानने लगा है। So fans, keep on dreaming. न जाने कब वो आपका सपना सच कर दे। पोते को